कोरटकोफ साउंड्स। हमें पता है जब हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, ठीक है, जब हम कफ को रिलीज़ करना स्टार्ट करते हैं, जहाँ साउंड अपीयर होता है उसे हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है, और जब साउंड डिसअपीयर हो जाता है उसे हम बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। इसके बीच में कुछ फेजेस होते हैं जिसमें साउंड्स में चेंजेस होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं कोरटकोफ साउंड, ओके। इसमें फर्स्ट फेज होता है, जब साउंड अपीयर होता है तब फर्स्ट फेज होता है फेंट टैपिंग साउंड मिलता है, अराउंड 10 mmHg तक मिलता है हमें ये। फॉर एग्जाम्पल अगर सिस्टोलिक 120 है तो 110 तक मिलेगा। फेज टू होता है मरमर साउंड मिलेगा, ठीक है, तो 110 mmHg से अराउंड 100 mmHg तक। फिर फर्दर 15 mmHg तक हमें क्लियर लाउड टैपिंग साउंड मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फेज़ फोर जो है वो अराउंड 5 mmHg तक मफल्ड साउंड मिलेगा, बिल्कुल लो पिच साउंड, ठीक है। और फिर उसके बाद साउंड डिसअपियर हो जाएगा और साइलेंट हो जाएगा, विच इज़ कॉल्ड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। थैंक यू।